अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेस्टी शेक यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ नेस्टी शेक। दोस्तों आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के मशहूर अंदरून शहर सादक नाच देने वालों पे, और आज हम आपको नाच का रिव्यू देंगे कि गुजरांवाला का सबसे सस्ता तरीन और जायके में बेहतरीन नाचका कहाँ से आपको मिलता है। अभी हम चलते हैं सादक नाचने वाले के पास। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। अंदर राशि माशाल्लाह बहुत ज्यादा है और सिटिंग प्लान भी बहुत बेहतरीन है फैमिली के लिए। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ओनर जो थे ये सादक नाचने वाले, जो कि मौजूद है गुजरांवाला शहर में, अंदरून शहर गुरु नानक पूरे में, तो आप किसी से भी पूछ लें आपको आइडिया हो जाएगा सादक नाचने वालों का। तो आज हम उसका रिव्यू देने आए हैं। अभी ऑर्डर हमने कर दिया है, लस्सी वगैरह हमारी आ चुकी है, मीठी लस्सी। तो बाकी नाचने वगैरह हमारा आता है तो हम ट्रेस करके बताते हैं कि कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है और बेहतरीन है कि नहीं। नाश्ता आ चुका है, अभी हम इसको ट्राई करते हैं और इसका हम आपको रेटिंग करते हैं कैसी है। टेस्ट है भाई, तो टेस्ट करने करने का नाम है। इसमें क्या कोई बात है यार, इसमें वाकई टेस्ट है। खा यार तुम लोग, तुम पहले खा लो। नाचने के साथ लस्सी का कॉम्बिनेशन में कहता हूँ हो गया। लस्सी का भी टेस्ट बड़ा बेहतरीन है और नाचने का भी बेहतरीन टेस्ट है और बड़ी चने हैं और तड़ी शड़ी बेहतरीन डली हुई है। मैं कहता हूँ मसालेदार, वैसे खास पता है कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मुताबिक यार ये बड़े मजे का खाना है, एक दफा खाने वाला जरूर है। और अब इसका कटिंग देते हैं थोड़ा बहुत और आगे ट्राई करो यार। आप शुक्र है, हमने अपना नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने को बड़ा ही बेहतरीन खाना था, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन। बीच में तरी वगैरह और चने बड़ी मसालेदार बेहतरीन, बड़े मसाले के मसाले डले हुए थे यार मेरे पास। तो साथ कॉम्बिनेशन था लस्सी का, मीठी लस्सी का, ना कि चाटी की लस्सी का, मतलब मीन होती है, तो ये हमने मीठी लस्सी लगवाई। और ये मेरे यार भाई जो भाई के पहले कैमरा मैन थे, भाई था देखे थे मैं अपनी रेटिंग मिलूँ, तो भाई तब तक हमारे दूसरे अफान भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये कहना था कि इसका मैं नंबर देने का टाइम आ गया, स्कोरिंग इसकी करते हैं हम, इसको मैं दूंगा 10 में से 8। और इस वजह से कि जो तली थी ना, ऑयल वगैरह वो ज़्यादा था, ऑयली ऑयली ज़्यादा था। नाचने ज्यादा इस नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा ऑयली लगा, इस वजह से 10 में से 8 मैंने स्कोर दिया है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनर की तरफ भी, जो कि इसका यहाँ का ऑनर है और जो यहाँ पर सब कुछ देता है, डाल के देता है नाचने वगैरह, जो इसकी जिसकी ये दुकान है। तो हम उनसे बात करते हैं और कुछ लोगों से भी हम इसकी जो है ना के बारे में पूछते हैं कि खाना कैसा है। तो चले चलते हैं, इसकी स्कोरिंग मैंने 10 में से 8 दे दी है। दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं भाई के पास जिनकी ये शॉप है, और इनसे हम पूछते हैं कि ये कब से कितनी देर इसको हो गई है दुकान बैठाए, और इनसे लोकेशन का भी पूछते हैं और बाकी चीजें पूछते हैं कि इनके गाहक वगैरह क्या उनका जो है रिव्यू हो के कैसे खाना है इनका, कब से ये स्टार्ट हुआ है। वालेकुम सलाम भैया, मुझे आप ये बताएं कि ये आप कब से दुकान खोल के बैठे हैं, कब से नाचने का काम कर रहे हैं। ये हमारे तकरीबन 40 साल हो गया है, तो सुबह फजर के आधा घंटा बाद शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी और दे। तो दोस्तों अभी इनको 40 साल हो चुके हैं ये नाचने की दुकान डालते हुए, सादक नाचने। आप मुझे बताएं लोकेशन बता दें आप। ये घंटा घर है गुलानकपुरा, नानकपुरा फूड स्ट्रीट है, नाश्ता पॉइंट है यहाँ पर उनका सादक नाचने जिनके पास। भैया मुझे ये भी बताएं कि आपके पास क्या क्या नाचने के अलावा। हमारे पास देसी मुर्गे वाले चने हैं, छोटे पाए मगज है, देसी मुर्गा साल लैदा भी है इसमें माशाल्लाह, मुनासिब कीमत के साथ जायका ज्यादा है बहुत ज्यादा। तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे आप यहाँ पर जरूर रिव्यू करें, आके आए आप मुझे बताए कमेंट सेक्शन में आगे कि यहाँ का खाना कैसा है। तो अभी हम चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ जो कि यहाँ खाने आए हैं, उनसे थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं। दोस्तों अभी हमने एक भाई को लिया जो कि अभी खाना खा रहे थे, हमने उससे पूछा क्यों ना हम ऑडियंस से भी रिव्यू लें कि इनके दुकान का खाना कैसा है। तो भैया मुझे बताएं कि ये खाना कैसा है। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आया माशाल्लाह। टेस्ट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैं आपको बताता चलूं, मैं पहले भी इनसे खा चुका हूं, तो मैं रिव्यू उसी चीज के देता हूं जो मैं खुद टेस्ट कर चुका हूं। तो मैंने सोचा कि आपको इस दुकान का रिव्यू दिया जाए कि इनका टेस्ट वाकई बेहतरीन है और कीमत मुनासिब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। एक और भाई हमें मिल गए, हम उनसे भी पूछते हैं कि इनका खाना कैसा है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा खाना है और बहुत अच्छे लोग हैं,
अखलाक भी इनका अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है। अब मुझे बताएं आप कब से इनसे खाना खा रहे हैं? तो जी मैं तो पहली बार आया, झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इन्होंने अखलाक तो भी मुतासर होया खाने तो भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कही भाई भी फर्स्ट टाइम ही आया, उनका जो है एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा है, मुनासिब कीमत है। असि कोई होटल मुश्किल ही होंगे जो छटिया होंगे, लेकिन इतफाक बचिया अज अल्लाह पाक का शुक्र है भी क्लियर हो गया। मेहरबानी जजाक अल्लाह, मोहम्मद काशिफ मेरा नाम है। तो नाश्ता हमने कर लिया, लेकिन नाश्ता अधूरा है चाय के बगैर। हम पहुंच चुके हैं सिविल लाइन चाय के लिए, तो अभी हम चलते हैं चाय, अपनी ऑर्डर हमने कर दिया और चाय पी के आपको बताते हैं इस चाय का टेस्ट कैसा है, ताकि आप भी यहाँ आके एक दफा ट्राई कर सके। थोड़ी गर्म है लेकिन मजे की है यार। अभी हम ना भाई यहाँ से पूछ लेते हैं कि ये भाई काफी देर, कितनी देर हो गई इनको यहाँ चाय बनाते हुए, और इनके प्राइसेस वगैरह क्या है, लोकेशन क्या है। आ जाए अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ चाय बना रहे हैं, कितनी देर से यहाँ पर? दो साल हो गए। माशाल्लाह हो गए हैं। और अपनी ऑडियंस को लोकेशन बता दें। शाहकोटी फाटक। शाहकोटी फाटक हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। सिविल लाइन है यहाँ पर जगह, और पुल के बिल्कुल नीचे इनकी शॉप है, तो चाय की तो बेहतरीन टेस्ट है यहाँ पर चाय की। वालेकुम सलाम। भजन आपने कभी ट्राई की होगी इनकी चाय वगैरह? ट्राई बड़ी मशहूर है, इसे जो पंजाब की चाय है। माशाल्लाह पूरे नाम घूमता सब इसके लिए, नाम के मरती है पंजाब के लिए। माशाल्लाह आपने ट्राई किया, कैसा टेस्ट लगा? टेस्ट बहुत मजेदार है, बड़ी बड़ी दूरों वहां चाय पीनी आंदी है, पंजाब के पकौड़े भी खादी है इधर। तो ये भाई का रिव्यू था कि ये बेहतरीन चाय है, और बड़े दूर से लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, और हमने भी आज टेस्ट कर ही ली। तो अभी ये चाय का मैं आपको नंबर देता हूँ, इसका 10 में से 9 है, क्योंकि बेहतरीन चाय, कड़क चाय है और बहुत ही बेहतरीन चाय है। तो फाइनली गाइस हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और अभी हम मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं मॉल ऑफ गुजरांवाला, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है गुजरांवाला का, जहाँ पर ब्रांड्स हैं, खाने पीने के भी ब्रांड्स हैं और कपड़े वगैरह के भी ब्रांड्स हैं। इंशाल्लाह जल्दी इसका भी ब्लॉग आएगा, तो मैंने सोचा यहीं पर मैं एंडिंग करूं। अभी हम गए थे शहर गुजरांवाला, अंदरून शहर में गुरु नानकपुरे घंटाघर के पास, जो कि गुजरांवाला के हैं उनको इन चीज का मालूम है, और हम पहुंचे थे साधक नान चने वालों के पास, जिसके पास हमने नाश्ता किया और साथ लस्सी शस्सी और एंड पे हमने चाय भी पी। तो अभी टाइम है आपको इसकी स्कोरिंग एक दफा फिर बताने की, और इनकी लोकेशंस और इनकी प्राइसेस बताने की। तो लिहाजा जैसे कि हमने सबसे पहले नान चने खाए साधक नान चने वालों के पास, जो कि उनकी प्राइस थी, चने की प्लेट थी 200, जो कि सिंगल प्लेट है, जो अगर अकेला बंदा है तो 120 की सिंगल प्लेट है। और नान जैसे कि बाहर से मिलते हैं 30 रुपए का एक नान था जो कि इन्होंने लगाया, और 150 रुपए की लस्सी थी, 150 रुपीज की सिर्फ लस्सी। और उसके बाद वापसी पे हम गए सिविल लाइन सारकोटी दरवाजे के पास, जो कि है चाय के लिए, चाय थी हमारी सिर्फ 60 रुपीज की, जो कि हम 3 बंदे थे और हमारा टोटल खर्चा हुआ 860 रुपए का। तो ये सब आज हमारा व्लॉग था, और मुनासिब कीमत में जायका ज्यादा, इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाई था कि आप एक दफा आके चेक करें, और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि मैंने क्या ये रिकमेंडेशन गलत तो नहीं की। और हमने कुछ लोगों से भी रिव्यू किया जिन्होंने बड़े अच्छे रिव्यू दिए साधक नान चने वालों की। कमेंट में मुझे बताएं आगे मैं किस जगह का रिव्यू करूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या उससे अलावा वीडियो हमारी यहाँ की मालव गुजरांवाला की भी आएगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और हमारी रिकमेंडेशन आपको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और पिछली वीडियो चेकअप करें, जो कि हम पीपल्स कॉलोनी गए थे स्ट्रीट फूड खाने के लिए, वो भी वीडियो जाकर चेक करें, यूट्यूब पे आ चुकी है इसी चैनल पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।